फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कॉजेज़ फॉर फेलियर ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन स्कीम्स इन इंडिया। इंडिया में जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन स्कीम बनाई गई है, उसके फेल होने का, उसके मतलब सक्सेस न होने का कौन कौन सा रीज़न है, आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। The various scheme of workers' participation in management have not been very effective in India. बहुत सारी जो स्कीम बनाई गई है वर्कर्स पार्टिसिपेशन से रिलेटेड, वो इंडिया में सक्सेस नहीं हो रही है। A variety of factors have contributed to the failure of the scheme of participative management. They are as follows. बहुत सारे ऐसे reasons हैं जिनसे पता चलता है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनसे पता चलता है कि क्यों वर्कर्स पार्टिसिपेशन जो स्कीम है वो इंडिया में फेल हो जा रही है, सक्सेस नहीं हो रही है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं वो कौन कौन से रीजंस हैं। पहला है आपका मल्टीप्लिसिटी ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर्म, द वर्क कमिटी, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, शॉप काउंसिल, प्लांट काउंसिल, सेफ्टी कमिटी एटसेट्रा, ईच विथ ओवरलैपिंग स्कोप एंड रोल एंड फंक्शन, क्रिएट एंड मोर कन्फ्यूजन टू विच फॉर्म इज मोस्ट सुटेबल टू विच ऑर्गेनाइजेशन, ऑल दिस लीड्स टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द स्कीम। मतलब बोला जा रहा है कि बहुत सारे पार्टिसिपेशन फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि वर्क कमिटी है, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल है, शॉप काउंसिल है, प्लांट काउंसिल है, सेफ्टी कमेटी है। ये सब क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है और मैनेजमेंट को पता ही नहीं चल पाता है कि उसको कौन सा वर्क कब कहाँ कैसे करना है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस इन अप्रोच फॉर इम्प्लीमेंट द स्कीम, द एम्प्लॉयज आर ऑफ द व्यू दैट वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव एट द बोर्ड लेवल शुड बी इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली इन फेजेज एंड स्टेजेस, वाइल वर्कर्स फील दैट देयर स्कीम शुड बी इम्प्लीमेंटेड साइमल्टेनियसली एट ऑल लेवल। जो वर्कर्स होते हैं उनका ऐसा मानना होता है कि जो भी वर्कर्स उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, उनका ऐसा मानना होता है कि जो भी बोर्ड लेवल पे उनको इंट्रोड्यूस किया जाए, हर एक लेवल पे इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन वैसा नहीं होता है। नेक्स्ट है इलिटरेसी ऑफ द वर्कर्स, इन इंडिया द वर्कर्स आर लार्जली इलिटरेट एंड एज सच दे आर रिप्रेजेंटेटिव टू डू नॉट हैव द एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द कॉन्सेप्ट रेशनल एंड बेनिफिट ऑफ द पार्टिसिपेट इन द स्कीम, इन द एबसेंस ऑफ लिटरेसी दे आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस स्कीम एक्टिवली एंड मीनिंगफुली, एज अ रिजल्ट दे फेल टू अराइव एट एनी डिसीजन और दे रैली ऑन आउटसाइड ट्रेड यूनियन फॉर गाइडलाइंस, दिस ट्रेड यूनियन डाइवर्स दैम फ्रॉम फॉर्मिंग पार्टिसिपेटिंग फॉरम टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। हमारे इंडिया में वर्कर्स जो हैं, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, वो बहुत ज़्यादा इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, और जो उनके ट्रेड यूनियन है, जो उनके लीडर है, वो भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। इसलिए जब वो लोग पढ़े लिखे नहीं है तो वो एक मतलब अपने से डिसीजन ही नहीं ले पाते कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, कौन सी स्कीम जो आई है उनके लिए सही है और कौन सी स्कीम उनके लिए गलत है, वो ये सब डिसाइड ही नहीं कर पाते। इसलिए वो सारी चीज़ के लिए अपने ट्रेड यूनियन पे डिपेंड होते हैं, लेकिन जो उनका ट्रेड यूनियन होता है वो उनको मिसगाइड करता है और उनको गलत गलत चीज़ें बता देता है, जिस वजह से स्कीम सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट है आपका एटीट्यूड ऑफ द वर्किंग क्लास, द एटीट्यूड ऑफ वर्किंग क्लास टू सॉल्व प्रॉब्लम थ्रू लिटिगेशन ऑफन रिस्ट्रिक्ट्स द यूटिलिटी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग फॉरम, दिस एटीट्यूड ऑफ द वर्कर्स टेम्प्ट्स एम्प्लॉयर्स नॉट टू यूज द स्कीम वाइल डीलिंग विद वर्कर्स प्रॉब्लम, दिस फैक्ट फर्दर डैमेज द इनिशिएटिव ऑफ द एम्प्लॉयर्स टू इम्प्लीमेंट द स्कीम। मतलब जो वर्किंग क्लास होते हैं ना, जो वर्कर्स होते हैं, उनका ऐसा एटीट्यूड हो जाता है, उनका ऐसा मानना हो जाता है कि वर्कर्स के वेलफेयर के लिए जो भी स्कीम बनाई गई है, जो हमारी मैनेजमेंट वो उसको यूज़ नहीं कर रही है, जिस वजह से क्या होता है, वो लोग सोचते हैं कि वो स्कीम का सही से यूज़ नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है आपका अनहेल्दी लेबर रिलेशन, द स्कीम ऑफ लेबर पार्टिसिपेशन कैन बेस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन हेल्दी लेबर मैनेजमेंट इन्वायरमेंट, बट एट नो पॉइंट ऑफ टाइम इज इन द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द कंट्री द इंडस्ट्रियल क्लाइमेट वॉज फ्री फ्रॉम इम्पोजिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, इन सच अ क्लाइमेट इज बाउंड टू फेल, इन फैक्ट द स्कीम हैव टर्न आउट टू बी अ फायरस्टोन फ्रॉम इट्स वेरी इंसेप्शन। मतलब बोला जा रहा है इसमें, जैसे अनहेल्दी लेबर रिलेशन, जो लेबर हैं हमारे उनका एक दूसरे का रिलेशन ही अच्छा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट और एम्प्लॉयर्स वर्कर्स का एक दूसरे का रिलेशन अच्छा नहीं है, इस वजह से जो हमारी स्कीम है वो सक्सेस नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव ट्रेड यूनियन, द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया
is invariably fragmented, poorly organized by political philosophies, and shadowed by inter-union rivalry. Under such circumstances, effective workers' participation in management is a distant goal. The trade union pursue their selfish program as compared to issue of common interest. मतलब बोला जा रहा है कि जो भी उनके ट्रेड यूनियन है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो हम कभी भी वर्कर्स के बेनिफिट के लिए काम नहीं करते और वो हमेशा अपनी बेनिफिट के लिए काम करते हैं, अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, ना कि वर्कर्स के बेनिफिट के लिए सोचते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका डिले इन डिसीजन मेकिंग एंड डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ पार्टिसिपेटिव बॉडीज। द इनऑर्डिनेट डिले जनरेट्स डिससेटिस्फेक्शन ऑन एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग द वर्कर्स एंड कंसिक्वेंटली दे स्टार्ट लूजिंग फेथ एंड इंटरेस्ट इन द पार्टिसिपेटिव स्कीम। जैसा कि नॉर्मली बोला जा रहा है कि जो भी डिसीजन लिया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, उसमें हमेशा क्या होता है, लेट होता है, जिस वजह से जो वर्कर्स का फेथ है, एक विश्वास है मैनेजमेंट के ऊपर, उसे वो टूटता जाता है, वो विश्वास कभी कर ही नहीं पाते और वो सोचते हैं कि वो स्कीम का सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लैक ऑफ द स्पिरिट ऑफ पार्टिसिपेशन बाय पार्टीज। The general lack of the spirit of participation by parties, that is employers and employees, often cause failure to implement the scheme. The employers look upon this participated forum as substitutes for trade unions, while employees consider them as their rivals. This attitude on the part of the participate had generated hostility, apathy, and at times even jealousy among them, which result in ultimately death of the scheme. मतलब देखिए क्या बोला जा रहा है, वो लोग में कोई एक स्पिरिट है ही नहीं, ठीक है, एक मतलब जैसे वो लोग मिलके काम ही नहीं करते हैं। जो हमारे मैनेजमेंट है, जो हमारे एम्प्लॉयर्स है, वो सोचते हैं कि ये ट्रेड यूनियन का काम है कि स्कीम को अप्लाई वर्कर्स के ऊपर कैसे करना है, और जो हमारी वर्कर्स है वो सोचती है कि हमारे लिए मैनेजमेंट कोई काम ही नहीं कर रही है। तो जब उन लोग में कोई एक जैसा कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, जिसके वजह से क्या होता है, वो स्कीम ही ख़त्म हो जाती है। मतलब मैनेजमेंट वो स्कीम से रिलेटेड कोई काम नहीं करती, और ट्रेड यूनियन भी उस स्कीम से रिलेटेड कोई काम नहीं करती है, जिसके वजह से नुकसान किसका होता है, हमारी वर्कर्स का होता है, और वो स्कीम किसी के काम की नहीं रह जाती है। तो बेसिकली ये क्या था हमारा ये टॉपिक था, होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।